कुड़ू के सभी वासियों को, भाइयों बहनों, मेरे प्यारे दोस्तों को भाग्यश्री का सादर प्रणाम। नमस्कार। इतनी कड़ी धूप में आप कब से एकदम शांति से खड़े हैं, बस इंतजार कर रहे हैं, इसके लिए एक बार फिर से बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं मैं और आप सबका शुक्र अदा करती हूं। हम लोग बस यहाँ पर चलकर आए और मंच पे बैठ के आप लोगों से वार्तालाप कर रहे हैं, लेकिन आप बहुत से दिनों से इस समय का इंतज़ार कर रहे हैं, 30 तारीख का इंतज़ार कर रहे हैं, और सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं जानती हूँ आप सबको अपना भविष्य प्यारा है। और भविष्य माने ये जो बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे दिख रहे हैं, ये आपका भविष्य है। साहू जी जो हमारे बहुत अजीज दोस्त हैं, मेरे पति के बहुत अजीज दोस्त हैं, जब उन्होंने कहा कि यहाँ पे कुछ ऐसा वातावरण हो रहा है कि स्कूलें बंद हो रही है, हमारे बच्चों का भविष्य डामाडोल हो सकता है, आप चलिए और गुजारिश कीजिए हमारे सभी भाइयों बहनों को कि वो रामेश्वर जी को वोट दे। 30 तारीख को आपका भविष्य आपके हाथों में है, वो भविष्य जो इन छोटे बच्चों की शिक्षा में है। आज जो आपके पास है ये धरोहर उन तक पहुंचनी चाहिए, उनका जीवन समृद्ध होना चाहिए। हर एक माँ बाप यही चाहते हैं कि उनके बच्चों का भविष्य सुखरूप हो, और मैं जानती हूं कि जो इतने भारी संख्या में आप लोगों ने अभी अभी हाथ उठाए और कहा कि हाँ हम जरूर वोट करेंगे, इससे तो जाहिर है कि जीत पक्की है ना? पक्की नहीं, जरा जोर से। तो फिर जीत की खुशी मनाने के लिए आप मेरे लिए खाना जरूर पकाइएगा, क्योंकि मैं वापस आऊंगी यहीं पे आप सबके साथ। तो 30 तारीख को याद रखिएगा, वोट जरूर दे दीजिए, सही उम्मीदवार को दे दीजिए, रामेश्वर जी को दे दीजिए, और मैं आऊंगी आप सबके साथ। हाँ, सबके साथ जीऊंगी, पक्का ये वादा रहा। नमस्कार। बहुत बहुत शुक्रिया मैडम भागश्री जी। मैं आपके बुलाने से पहले कुछ चीजें जनता को बताना चाहता था। 90 का दशक हम लोगों का स्कूली जीवन, और उसमें आया मैंने प्यार किया, ऐसी फिल्म थी कि पिछला जितना भी रिकॉर्ड था सारा टूट गया था। और आप उस समय 90 के दशक में तमाम नौजवानों के दिल के धड़कनों में बसा करती थी। आज हम लोगों को बहुत खुशी हो रही है, क्योंकि स्कूल में थे, स्कूली जीवन में हमने देखी थी वो फिल्म और काफी पसंद किए थे हम लोगों ने फिल्म। और आज हम लोगों का जो सपना है वो चरित्रार्थ धीरू बाबू की वजह से होता हुआ नजर आया। बहुत बहुत शुक्रिया आपके लिए। हमने एक शेर लिखा था कि उसके चेहरे की चमक, उसकी चेहरे की चमक के सामने सब सादा लगा, उसके चेहरे के चमक के सामने सब सादा लगा, आसमान पे चांद पूरा था, आसमान पे चांद पूरा था मगर आधा लगा।